कराएगा। जैसे कि आप सबको पता है कि MPPSC मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम जो है फरवरी में आने वाली है, तो मध्य प्रदेश का GK में थोड़ा कवर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको बनाया है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख स्टेडियम्स, इसमें से एक क्वेश्चन बनता है, तो ठीक है हम देखते हैं कि क्या क्या स्टेडियम है मध्य प्रदेश में। सबसे पहला ऐशबाग स्टेडियम, जो ऐशबाग स्टेडियम है ये पूरी तरह से कृत्रिम घास वाला है, मतलब आर्टिफिशियल घास है वहाँ पे, और ये भोपाल में स्थित है, ठीक है। अब दूसरा स्टेडियम देखते हैं, रूप सिंह स्टेडियम जो है ये ग्वालियर में स्थित है, रूप सिंह स्टेडियम जो है ग्वालियर में स्थित है। इसी के बाद नेहरू स्टेडियम जो है इंदौर में स्थित है, नेहरू स्टेडियम। ठाकुर रणवंत सिंह स्टेडियम जो है वो रीवा में स्थित है, ठाकुर रणवंत सिंह स्टेडियम, ठीक है। उसके बाद होलकर स्टेडियम जो है इंदौर में, जैसे सबको पता होगा कि जो अहिल्या देवी होलकर थे उनकी रानी थी, तो आप इससे याद कर सकते हैं कि होलकर स्टेडियम जो है इंदौर। और उसी के बाद अभय खेल प्रसाद जो है ये भी इंदौर में ही स्थित है, ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और रानीताल क्रिकेट स्टेडियम जो है जबलपुर में स्थित है, रानीताल क्रिकेट स्टेडियम जो है जबलपुर में, ठीक है। रविशंकर शुक्ल स्टेडियम जबलपुर में, जैसे सबको पता है रविशंकर शुक्ल जो है जबलपुर से संबंधित है, तो आप इसको इसे लिंक करके याद कर सकते हैं कि जो रविशंकर शुक्ल स्टेडियम है ये जबलपुर, ठीक है। उसके बाद तात्या टोपे स्टेडियम जो है ये भोपाल में, तात्या टोपे स्टेडियम जो है भोपाल में स्थित है, ठीक है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, थैंक यू।